on my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world. तो हे हेलो गाइस यार, तुम सभी लोग का स्वागत है ल्यूर गेमिंग 2.0 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज गाइस यार स्पेशल डे है, क्योंकि ग्रैंड पे मैक्स ने जो हमारी ओमनीट्रिक्स है उसको आज अपग्रेड कर दिया है, वो भी अजमत के साथ मिलके। तो गाइस यार आज की वीडियो के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम लोगों ने बेंटन को बोल तो दिया है कि वो जो ओमनीट्रिक्स है तू हमारे लिए लेकर आ जा, लेकिन बेंटन का मतलब हमें कोई रिप्लाई तो नहीं आया, हमने उसको मैसेज कर दिया था। अब पता नहीं बेंटन ने वो मैसेज पढ़ा होगा या फिर नहीं, तो देखते हैं आगे कि क्या होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग हमारी वीडियो को देखकर जाते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करके जाते, तो अगर आप लोग नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से फटाक से। ओए। और हाँ गाइस यार, पिछली वीडियो के शाउट आउट की बात करें तो इन सभी को शाउट आउट जाता है। और मेरी तरफ से भी सभी लोगों को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और तोड़ने फोड़ने वाला शाउट आउट। ओए। तो भैया यार अपने कंप्यूटर में चलते हैं और ये देख कर आते हैं कि बेंटन ने वो वाला मैसेज पढ़ा या फिर नहीं। इसको बटन को ऑन करते हैं, अपना कंप्यूटर को ओपन करते हैं। यार भैया बेंटन ने तो मतलब हमारा मैसेज पढ़ तो लिया है, क्या बेंटन इसको ला रहे हैं? ओए बेवकूफ, बेंटन ने पढ़ तो लिया लेकिन कोई रिप्लाई तो दे देता। ओए यार भैया कंप्यूटर को क्यों तोड़ रहे हैं? ओए कुछ नहीं टूट रहा है कंप्यूटर। ओए चलो यार भैया कोई बात नहीं, हम लोग इसको वापस ले लेते हैं। अरे भैया एरो वापस लो ना। ओए ले रहा हूँ ना, रुक जा यहाँ से। ओए आ गई। हाँ भैया चलो चलते हैं गाइस। यहाँ से हम लोगों ने देख तो लिया कि बेंटन ने हमारा मैसेज पढ़ लिया है, लेकिन अगर बेंटन आएगा तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। वैसे भी इतना हम लोग थोड़ा टाइम पास करते हैं या फिर हम लोग सीधा इसके ऊपर निशाना मारेंगे। ओए मरा क्यों आल तू फालतू में, इनको तोड़ रहा है यार। ओए अरे भैया ये असली असली आर्मर थोड़ी है, ये तो ऐसे शो के लिए लगा रखे हैं। चलो ये भी टूट चुके हैं। इतने गाइस हम लोग थोड़ा से इधर उधर टाइम पास करते हैं। रात होते हुए मतलब हमें पता नहीं कि बेंटन आएगा या फिर नहीं, इतना हम लोग वेट करते हैं बेंटन के आने का। A few moments later. ओ ये क्या, यहाँ तो रात भी हो गई लेकिन बेंटन तो अभी तक ओमनीट्रिक्स को लेकर आया ही नहीं। ओए हाँ गाइस यार अभी तक बेंटन आया ही नहीं, हमें नहीं पता कि बेंटन कितना ज़्यादा टाइम लेगा, यहाँ पर रात भी हो गई है। एक काम करते हैं ना भैया, चल के अभी सोते हैं, देखते हैं कि क्या पता सुबह आ जाए या फिर कल आ जाए, देखते हैं कि कब आता है बेंटन। वो बिल्कुल सही कह रहे तू तो। ओए तो चलो फिर अपने घर के अंदर, ओए घर के अंदर घुसने तो दे। चलो गाइस हम लोग अपने घर के अंदर चलते हैं और यहाँ से हम लोग अपने बेड के अंदर जाके सो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही अगर हम सोएंगे तभी तो अगला दिन होगा ना। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग सोते हैं और आपसे सुबह मिलते हैं। तो चलो यार भैया सुबह भी होगी है और ये देखो यार भैया ये मेरे को भी बेंटन जैसे क्यों लग रहा है। ओ ये तो बेंटन है। और बेंटन तू कैसा है यार, कितने दिनों बाद हम लोगों से तू मिल रहा है। ओए अरे हाँ भैया यार बेंटन तो कितने दिनों बाद ही हमसे मिल रहा है ना। अरे मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, तुम्हारे घर के पास अभी बारिश हो रही है, मैं यहाँ पर गीला हो गया हूँ, थोड़ा मेरे को टावल वगैरह लाके दो रहा। ओए टावल तो हमारे पास नहीं है। ओए पता नहीं कैसे लोग एक टावल भी अपने पास नहीं रख सकते हैं। ओमनीट्रिक्स तो तुमने बड़ी मेरे से मिल वाली, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम लोगों की पार्टी होने वाली है, क्योंकि आज जो ओमनीट्रिक्स के अंदर जो अपडेट आया है, जो अपडेट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा औसम है। रुको मेरे को ना एक काम करने दो, मेरे को यहाँ पर बैठने दो और मैं तुम्हें अब बताता हूँ। ओए मुना ये बेंटन कब से इतना चलाक हो गया, मतलब कि इसने तो पूरा बैठ के हम लोगों को बात बता रहा है, शांति से बात बता रहा है। ओए हाँ भैया यार बेंटन मतलब ओमनीट्रिक्स का कोई अपडेट आया है तो वही गए जो बेंटन हमें बता रहा है, हम इतने बेंटन से सुनते हैं। तो सुनो थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा मैक्स बाहर ओमनीट्रिक्स को छोड़ जाएंगे, तुम लोग को बस थोड़ी देर का वेट करना है, ग्रैंडपा मैक्स कैसे कभी भी उसको लाते होंगे तो तुम बाहर जाके तुम लोग उसका वेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, टाइम पास वगैरह कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब बढ़वा सकते हो, तुम लोग अभी कुछ भी कर सकते हो जो भी तुम्हारी मर्जी में हो। तो गाइस चलो फिर हम लोग बेंटन ने जैसा कहा है हम लोग बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या पता जो हमारी ओमनीट्रिक्स है वो आ जाए, हम लोग आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइस इधर वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, वहाँ पर हमारी ओमनीट्रिक्स पड़ी है, एंडरपोल भी हमारे पास है, सीधा हम लोग एंडरपोल को मारेंगे। यहाँ पर हम लोग आ गए, इस ओमनीट्रिक्स को हम लोग उठाते हैं ना भैया। ओए मना मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है इसको उठाने की। ओए तो गाइस चलो फिर हमने इसको ओमनीट्रिक्स को उठा लिया है और यह पहली बार अगर भैया देखो तो इसके अंदर कितना ज़्यादा वजन अभी अब लग रहा है ना।
ओए मुन्ना सच्ची में तो काफी ज्यादा हैवी भी हो गई है। ओए तो चलो हम लोग अपने पूरे हैंड को खाली कर लेते हैं। अब इसके अंदर गाइस हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नए एलियन अब इसके अंदर ऐड हुए हैं जो कि पहले नहीं थे। यहाँ पे वाइल्ड मोथ है, फोर आर्म्स है, ओए ये ग्रे मैटर तो पहले ही थे। ओए हाँ यार भैया ये एलियन तो हमारे पहले ही थे, डायमंड हेड भी पहले से ही था, रिप जो भी पहले ही था। अब आगे जो नए एलियन है वो देखते हैं ना कौन से हैं। तो भैया यार गोस्ट रिक है, कैनल बोल्ट है, हीट ब्लास्ट है और ये भैया डिटो आएगा ही है। और यहाँ पे भैया वाइल्ड वन बेन मम्मी है, यहाँ पे बेन वुल्फ भी है। तो ये है गाइस बेन विक्टर, ये है न्यू एलियन जो कि अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है हमारी ओमनीट्रिक्स के अंदर। ये आप लोग देख सकते हो, ये है अबचक, अबचक भी इसके अंदर और नया ऐड हुआ है। ओए अगला एलियन दिखा यार। ओए तो गाइस ये है अल्टीमेट वेबिक, मतलब इसके अंदर गाइस हमारे मतलब उन्होंने मतलब इसके अंदर वेबिक भी डाल दिया है। और यहाँ पर गाइस थंडरस्टॉर्म भी होने लग गया हमारे गेम के अंदर, ग्रे मैटर है, एक्सेलरेटर है। तो एक काम करते हैं भैया, सबसे पहले तो हम लोग किसी एलियन को चूज करते हैं और उसको यूज करते हैं। ओए बिल्कुल यार बिल्कुल यूज करते हैं, पहली बार हम लोग ओमनीट्रिक्स को यूज कर रहे हैं ना। ओए तो हम लोग भी सारे नए एलियन जो तीन न्यू एलियन है उनको भी देखेंगे, लेकिन जो हमने पुराने जो एलियन है उनको भी देखते हैं कि उनके अंदर और कितनी न्यू एबिलिटी गाइस यार ऐड हुई है। तो चलो फिर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गोस्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो यार भैया देखो तो इसकी एनिमेशन और ये गोस्ट ट्रिक तो देखो गाइस यार मतलब थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट सा है। और इसको हवा में देखो तो ये हवा में देखने के बाद यहाँ पर हवा में भी उड़ता है। ओए ये तो बिल्कुल बढ़िया से उड़ रहा है यार मुन्ना। ओए हाँ भैया बिल्कुल देखो तो कितना मज़े से उड़ रहा है। तो ये देखो गाइज यार ये कितना मतलब इसका डिज़ाइन तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ये तो पूरा ट्रांसपेरेंट जैसे लग रहा है, पीछे का सब कुछ इसके अंदर से दिख रहा है। और ये गाइज कितना ज़्यादा ओसम लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है गाइज ये गोस्ट ट्रिक नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, हम लोग को तो काफ़ी ज़्यादा ओसम लग रहा है गोस्ट ट्रिक। अब आप लोग को पता ही है ये हो सकता है इनविजिबल, तो हम लोग ऐसे किसी को भी इनविजिबल होके ऐसे मार सकते हैं ना। ओए मना मेरे को तो पहला एलियन जो हमने चूज किया है बहुत ही ज़्यादा ओसम लगा है, काम कर जल्दी से ओमनीट्रिक्स को ऑफ कर और दूसरे एलियन में चूज करते हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा ये ओमनीट्रिक्स के गाइस यार रिचार्ज होने का, इसका रिचार्ज का भी गाइस ये सिस्टम है, हम लोग इतने इसको रिचार्ज करते हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट करो, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़ोर से करो। अगर आप लोग लाइक करते हो 300 लाइक्स का तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओमनीट्रिक्स भी लाने वाले हैं, ओमनीट्रिक्स को क्राफ्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है फ्री में तो सब्सक्राइब हो ही जाता है ना। तो चलो अपनी ओमनीट्रिक्स भी रिचार्ज हो गया। अब भैया आप बताओ कौन सा हम लोग एलियन चूज करें। ओए मुना मैं तो कहता हूँ कि ऐसा एलियन चूज कर जो कि अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया होगा। ओए नहीं भैया यार जो यूज नहीं किए हुए एलियन है हम लोग उनको थोड़ा दूर जाके यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बेन मम्मी का यूज करते हैं क्योंकि बेन मम्मी हम लोगों ने आज तक इतनी ज्यादा यूज नहीं की है, तो हम लोग बेन मम्मी का यूज करते हैं। यहाँ पर भैया स्टिंग फ्लाई है, यहाँ पर गोस्ट ट्रिक तो हम लोगों ने यूज़ किया, ये कैनर बोल्ट भी इतना मतलब खास नहीं है, हमने सारे बाकी को ज़्यादातर यूज़ कर ही लिया है। अब बस यहाँ पर हम लोग बेन मम्मी को यूज़ करके देखते हैं कि बेन मम्मी कैसी है। ओए रुक जा इसको दबाने तो दे। चलो भैया दबा दिया इसको और अब देखो गाइस यार कितने ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा अच्छा इसका डिज़ाइन है यार भैया। ओए डिज़ाइन वगैरह छोड़ इसके नीचे तो देख एबिलिटी आई है एक नई। ओए हाँ भैया यार इसकी एबिलिटी भी आई है और इसकी स्पीड तो देखो यार भैया इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ओए वो तो मैं देख ही रहा हूँ यार इसकी स्पीड तो देख के यार मैं कितनी तेज़ दौड़ रहा हूँ यहाँ से। ओए हाँ भैया यार इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पर इसकी एक एबिलिटी है, यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं ये भैया इसकी हाथ जो है वो मतलब स्ट्रेच हो जाते हैं जिससे कि भैया हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो एक बार इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं, ट्री के ऊपर टेस्ट करते हैं। और ये क्या हम लोग नीचे ही गिर गए। अरे भैया यार अभी हम लोग को ये यूज़ नहीं करना है, मतलब हम लोग अगर इसको धीरे धीरे डेली यूज़ करेंगे तो हम लोग इसको सीख जाएंगे। ओए रुक जाओ यहाँ पर इसको ये पकड़ ही नहीं पा रहे यार मुन्ना। ओए अरे भैया आपको आता नहीं है ना अभी इसलिए आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हो। ओए चल ठीक है तू कहता है तो ठीक होगा। ओए तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर हम लोग ऊपर इस तरीके से आ गए हैं, यहाँ पर से हम लोग यहाँ आ गए हैं और इस तरीके से हम लोग बहुत ही आगे आगे तक जा सकते हैं वो भी तेज़ी से। देखो जैसे हम लोगों ने अभी इसको अच्छे से यूज़ कर लिया। और बिल्कुल यार अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एकदम खुला मैदान है तो यहाँ पर हम लोग वेबिक का यूज़ करते हैं ना। ओए वेबिक को भैया बाद में यूज़ करते हैं,
सबसे पहले बेंटन से मिलते हैं। यार बेंटन जो मतलब अभी तक हम लोगों ने यूज़ किए तेरी ओमनीट्रिक्स, इतने ज़्यादा इसमें मतलब अच्छे अच्छे अपडेट हुए हैं। अरे क्या तुम लोगों ने नए एलियन देखे? यार भैया हमने नए एलियन तो नहीं देखे ना। ओए नए एलियन तो अभी हम लोगों ने देखे ही नहीं। ओए अरे क्या तुम नल्ले हो यार, जाके देखो यार, न्यू एलियन के लिए तो ये ओमनीट्रिक्स बनाई गई है और तुम लोगों ने वो ही नहीं देखे अभी तक। तो गाइस यार छोड़ो, बेंटन तो ऐसे ही गुस्सा रहता है। हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग यूज़ करते हैं अपने नए एलियन का। सबसे पहले आप लोग को जो न्यू एलियन है वो इसके अंदर मतलब देखते हैं। इसके अंदर गाइस वेबिग है। ओए वेबिग है क्या? ओए हाँ यार भैया मेरे ख्याल से तो इसके अंदर वेबिग ही है। तो यहाँ पर देखते हैं ना भैया कौन सा इसके अंदर नया एलियन है। ओए वेबिग किधर है? यहाँ तो गोस्ट्रिक है, कैनर बोल्ट है और हीट ब्लास्ट है। ओए अरे भैया यार आगे भी तो देखो ना, आगे भी तो वेबिग होएगा ही ना। तो चलो गाइस यहाँ पर बैन विंडिकेटर हो गया है, यहाँ पे आप चुकोगे ये रहा वेबिग। तो चलो जल्दी से हम लोग वेबिग का यूज करते और वेबिग को देखते हैं। ओ ये क्या मोने, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार वेबिग। ओए हाँ गाइस यार आप लोगों ने जैसे हमारे जो बेंटन एलियन फोर्स की सीरीज देखी हो तो उसमें जो मतलब उसका जो हेड है वो नीचे की साइड रहता है, मतलब अच्छे से हम लोग ऊपर का व्यू नहीं देख पाते हैं। लेकिन इस बार तो देखो ना ये चल रहा है तो अर्थक्विक भी आ रहा है साथ ही साथ। ओ इसके न्यू अटैक भी तो देख यार। ओए हाँ भैया यार ये भीम छोड़ रहा है इस तरीके से, हम लोग अपने एनिमी को काफ़ी ज़्यादा ईजिली मार सकते हैं इससे तो। ये देखो हम लोग इस तरीके से किसी भी अपने एनिमी को मार सकते हैं। और ये देखो इसकी ये कोर पावर है एक तो मतलब कि इसने तो भैया पूरा पैर धरती पे मारता है, जमीन पे मारता है और मतलब नीचे की पूरी पूरी की पूरी लैंड भैया देखो तो कैसे टूट रही है। ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा नया मतलब एकदम मस्त अपडेट आ गया यार। ओए तो ये रही गाइस यार इसकी बीम, और बीम को यूज़ करने में मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा पावर लगती है। ये वाला इसका अटैक देखो, मतलब इसने तो पूरी ये जमीन ही खाली कर दी है जैसे ये पूरा पैर मारते हैं वेबिग इसके ऊपर। एक और बार भैया फिर से यूज़ करके देखते हैं ना। ओ ये क्या मुन्ना, इसने तो पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया इसने तो। ओए हाँ गाइस यार ये देखो तो ये एक पैर नीचे मार रहा है और पूरा का पूरा ये जो पूरा माउंटेन था ये पूरा मतलब फ्लैट हो गया है। ये देखो इस तरीके से नीचे तो भैया पूरा का पूरा इसने गड्ढा ही कर दिया है। मतलब भैया वेबिग तो भैया इस मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इसमें तो। ओए वो तो है ही यार। ओए यार भैया ये क्या, ओमनीट्रिक्स की बैटरी खत्म हो गई। ओ ये क्या, नीचे ना गिर जाए हम लोग। ओए अरे भैया वो तो गिरेंगे ही ना। तो ये देखो तो कितना ज्यादा यहाँ पर इसने तबाही मचा दी। ये क्या भैया, ओमनीट्रिक्स की बैटरी खत्म हो गई। ओए ओमनीट्रिक्स की बैटरी छोड़ ली, हाँ तो देख तो इसने कितनी ज्यादा वेबिग ने तबाही मचा दिया और सबको तोड़ फोड़ दिया इसने। ओए इसके पास तो मेरे से भी 2.5 किलो ज्यादा वाला पैर है। हाँ भैया यार देखो तो इसने पूरा का पूरा यहाँ का माउंटेन ही तोड़ दिया है। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ का माउंटेन टूट चुका है। अब ये काम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यू एलियन को देखते हैं ना, थोड़ा दूर जाके न्यू एलियन देखेंगे वेबिक। तो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को वेबिक की पावर कैसी लगी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। तो चलो भैया यार वहाँ चलते हैं बाहर अपने दूसरी साइड पर और न्यू एलियन हम लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मतलब एक काम करते हैं, आगे की साइड पानी है तो यहाँ पर रिप जो का यूज़ करते हैं ना पानी को क्रॉस करने के लिए। तो भैया रिप जो भी हमने ज़्यादातर यूज़ नहीं किया है, तो चलो ये रहा रिप जो। अब हम लोग चलते हैं पानी के अंदर एकदम छलांग मारेंगे और रिप जो की गाइस मतलब स्विमिंग पार्ट देखेंगे कि स्विमिंग कितनी तेज़ कर सकता है यार भैया। ओ ये तो स्विमिंग बड़ी जल्दी तेज कर रहा है यार। ओए हाँ भैया ये देखो तो मतलब स्विमिंग तो इसकी कितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड है। तो यार गाइस देखो यार रिप जो मतलब कितनी तेज पानी के अंदर दौड़ता है और पानी के बाहर तो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाता। रिप जो है गाइस वाटर एलियन है, मतलब रिप जो। आप लोग भी इस बारे में भी कमेंट सेक्शन बताना कि आप लोग रिप जो को कितने रेटिंग्स या नंबर दोगे, मतलब आप लोग बताओ यार कैसा लग रहा है आपको रिप जो, कौन सा एलियन आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं कि गाइस आप लोग को कौन से एलियन पसंद है। एक काम करते हैं इसको नीचे पानी के अंदर तैराते हैं ना। ये देखो ये कितना अच्छे से तैरता है ना पानी के अंदर, इसकी स्पीड भी पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ओए मैं अल्ट्रासाउंड क्यों कर दिया यार। ओए अरे भैया बाकी एलियन नहीं दिखाने, क्या टाइम भी हो गया ना वीडियो ख़त्म करने का। ओए चल ठीक है 2 मिनट, एक काम करते हैं ना अपने बैन विंडिकेटर को दिखाते हैं। बैन विंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लिखता है ना। ओए
भैया पता नहीं उसका क्या नाम है, रुको मेरे को ना उसको ओमनीट्रिक्स को अपनी रिचार्ज हो रही है, इतने रिचार्ज होने देते हैं, रिचार्ज होने के बाद हम लोग वो एलियन का नाम भी देख लेंगे और इस एलियन का यूज़ भी कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अब चक भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करके उस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। और चलो आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो इतने हम लोग जल्दी से वो वाला एलियन देखते हैं कि वो वाला एलियन कौन सा था जो कि मतलब उसका अजीब सा नाम था। और रुक जा मुना देखने दे यार, तू इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, ओए रुको यार भैया, ये रहा कैनबॉल, हीट ब्लास्ट, डिटो हो गया, यहाँ पर आय गाय हो गया, वाइल्ड वाइन हो गया, पेन मम्मी, और यहाँ पे रहा बेन वुल्फ, ये रहा भैया वैन बेन विक्टर है कोई, भैया नाम पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। ओए कोई नहीं, देख तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार, ओए हाँ भैया बड़ा तो है, लेकिन इसके पीछे देखो तो भैया टेस्ला जैसे मतलब वो एंटीना से है, ओए वो भी मतलब लाइटनिंग मारते, तेरे को नहीं पता क्या? अरे भैया मेरे को नहीं पता, ये मतलब मैंने ये एलियन देखा नहीं है, कम ही देखा है। ये देखो यार भैया तो धरती में मतलब जमीन पे हाथ लेके मतलब लाइट निकालता है शायद से, ओए ऐसे ही करता होगा ये, ओए पता नहीं भैया ये अभी लाइटनिंग क्यों नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पे मतलब कोई बीम सी फेंक तो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या बीम फेंक रहा है, ये रीजनरेट को इसके अंदर मतलब ये अपनी हेल्थ को भी रीजनरेट कर सकता है शायद से, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। वीडियो ये वाली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, और अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो किस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हो, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लाइक ज़रूर से करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।